सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के दिन मोबाइल नंबर तो हर कोई यूज़ करता है, पर क्या आपको पता है कि आपका मोबाइल नंबर जिस सिम कार्ड पे रजिस्टर बेसिकली उस सिम कार्ड को बनवाने में कंपनी को कितना खर्चा लगता है, कितनी तरह की इन्वेस्टमेंट करती है और किस तरह आपसे बेनिफिट कमाती है। बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिम कार्ड मैन्युफैक्चर कॉस्ट के बारे में और बात करेंगे हम ऐसी कुछ की कंपनियाँ कैसे पैसे आपसे कमाती है और किस तरह का बेनिफिट आपको देती है तरह तरह के इन्वेस्टमेंट करने के बाद में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट की इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने वाला हूँ जो आप सभी को आज तक शायद नहीं बताऊंगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन, टेक्निकल के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस रेड कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों अगर हम बात करें सिम कार्ड मैन्युफैक्चर कॉस्ट की और सिम कार्ड बनके कहाँ से आती है, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिम की फुल फॉर्म होती क्या है। बेसिकली सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल और बेसिकली हमारे सिम कार्ड वहीं से बन के आती है जहाँ से भी हमारे बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड या फिर स्मार्ट कार्ड बन के आते हैं। तो दोस्तों हमारे बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड स्मार्ट कार्ड चाइना से भी बन के आते हैं और इंडिया के अंदर भी स्मार्ट कार्ड मैन्युफैक्चर कंपनियाँ बहुत सारी हैं छोटी छोटी, पर इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी जो कि एशिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है SCIT स्मार्ट कार्ड IT सॉल्यूशन लिमिटेड जो कि पुणे के अंदर है, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है और मुंबई के अंदर भी काफ़ी बड़ी फैक्ट्री बनाने का ये प्लान करती है। पर पुणे के अंदर ये 12 लाख स्मार्ट कार्ड रोजाना के और 400 मिलियन स्मार्ट कार्ड एक साल के बनाने के अंदर तैयार कर देती है। तो दोस्तों अगर आप बात करें इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पे जो सप्लाई होती है वो चाइना की होती है। तो दोस्तों ये SBI को डेबिट और क्रेडिट कार्ड या फिर टेलीकॉम सेक्टर में टाटा इंडिकॉम को, एयरटेल को, वोडाफोन को, रिलायंस को सिम सप्लाई करती है। अब दोस्तों जुआई जो चाइना की कंपनी है बेसिकली पाकिस्तान को डेबिट क्रेडिट कार्ड और सिम कार्ड सप्लाई करती है, साथ ही बांग्लादेश को भी सिम कार्ड सप्लाई करती है और डेबिट क्रेडिट कार्ड स्मार्ट कार्ड सप्लाई करती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या आती है एक सिम की। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज से काफ़ी दिनों पहले की। तो पहले के टाइम पे हम 2G 3G नेटवर्क पे काम करते थे, 2G 3G नेटवर्क की सिम हमारे लिए आती थी तो उस टाइम के सिम की कॉस्ट ज़्यादा होती थी। पर आज की अगर हम बात करें कुछ दिनों पहले ही जियो ने 4,35,000 सिम चाइना से बनवाई थी, बेसिकली वहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट कम पड़ जाती है, इसलिए उसकी कॉस्ट निकल के आई थी 9,392,846, मतलब कि 21 रुपये 59 पैसे में एक सिम तैयार हो गई थी। अगर वो इंडिया में करवाते तो करीबन 23 रुपये के अंदर वो सिम तैयार हो जाती। तो दोस्तों 21 रुपये 59 पैसे में एक सिम तैयार हो चुकी है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली अभी तक ये सिम की एक मैन्युफैक्चर कॉस्ट है, इसके ऊपर IMSI नंबर और सिम नंबर भी अभी चढ़ना बाकी है। बेसिकली IMSI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, जिससे कि आपकी पहचान होती है, और सिम नंबर जिससे कि नंबर की पहचान की जा सकती है, फिर ब्लैंक नंबर को किसी भी नंबर पर रजिस्टर किया जा सकता है। अब आपको बताता हूँ कि इनके दो अलग अलग प्राइस निकल सकते हैं। अगर हम बात करें IMSI और सिम नंबर को अगर इस नंबर पर बेसिकली सिम पर चढ़ा दिया जाए, रजिस्टर कर दिया जाए, तो इसकी कॉस्ट निकल के आती है 45 रुपये तक की। अब दोस्तों इसमें मोबाइल नंबर चढ़ाना बाकी है। दोस्तों आपको बता दूं कि एक ब्लैंक सिम जो होती है, जैसे एग्जांपल अगर आप कोई सिम यूज करते हो, अगर आप उसे तोड़ देते हो तो आपकी सिम पे जो नंबर है बेसिकली वो एक किस्म से खराब हो चुका है। अगर आपके मोबाइल पे जो नंबर था उसको नंबर को दोबारा चर्न करके कंपनी किसी और के नाम पर रजिस्टर कर सकती है, तो इसलिए कॉस्ट अलग होती है। तो जो भी कंपनी सीरीज कराती है मोबाइल नंबर के तो वो सीरीज चढ़ानी पड़ती है, जिसके बाद में टोटली कॉस्ट निकल के आती है एक सिम कार्ड की, वो है 70 रुपये तक की। तो दोस्तों 70 रुपये में एक सिम तैयार हो जाती है और बड़ी आसान से मार्केट में उतारी जाती है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाई जाती है और डिस्ट्रीब्यूटर से आपकी दुकानों तक पहुंचाई जाती है, जहाँ से आप बड़ी आसानी से सिम खरीद सकते हो। अब दोस्तों आपने मार्केट में देखा होगा कि 50 रुपये की सिम है, मुझे 70 रुपये का बैलेंस मिल रहा है तो मुझे तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, पर यहाँ पे सिम कॉस्ट की कोई बात नहीं हो रही। बेसिकली 50 रुपये में आपको बैलेंस आज के दिन 38 रुपये तक का मिलता है, जिसमें आपके चार्जेस किए जाते हैं। बेसिकली GST आने के बाद 38 रुपये, पहले 40 मिलता था। तो दोस्तों जिसमें जितने भी चार्जेस आ गए, बेसिकली सिम की कंपनी की कमाई है, बेसिकली जो भी आपसे चार्जेस लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है, इसमें कंपनी अपनी कमाई करती है। अब दोस्तों आप सोचते हो कि कंपनी बहुत सारी मोटी कमाई करती है, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल कंपनी ये जरूर चेक करती है कि हमारी साइट के नीचे दूसरी कंपनी के कस्टमर कितने। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए पार्टिकुलर कोई भी एक ऐसा टावर है जापी, जिस कंपनी का टावर है, वो ये देखती है कि हमारे टावर के अंडर में एयरटेल के कितनी यूजर्स हैं, वोडाफोन के यूजर्स कितने हैं, आइडिया के यूजर्स कितने। मान लीजिए वोडाफोन ये चाहती है कि एयरटेल की हम टक्कर करें, तो बेसिकली वोडाफोन को सिम वहाँ पे फ्री में सेल करनी होगी, कस्टमर को फ्री में देनी होगी। मान लीजिए 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करके कंपनी और ज़्यादा 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, कंपनी ने नंबर भी फ्री में दिया है आपको और साथ में 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करके अगर वहाँ पर टावर पर 2000 एक्टिवेशन करती है, 2000 सिम लोगों को देती है, तो मुश्किल से वहाँ से 1500 कस्टमर ऐसे होंगे जो बेसिकली नहीं रुकेंगे। उसमें से 500 कस्टमर मान लीजिए अगर रुक गए हैं तो टोटली बेसिकली कमाई कंपनी को वहीं से करनी होती है। तो 500 यूजर जो अगर कंपनी के लगभग कंटिन्यू एक्टिव रहेंगे तो उन्हीं में कंपनी को कमाई करनी होती है और इन्हीं में कंपनी की बचत होती है। दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है मैंने सारे सवाल इसमें, मतलब जो भी आपके दिमाग में आते होंगे सारे मैंने
लगभग सोल्व किए होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे कंपनी कॉस्ट निकालती है, कैसे मैन्युफैक्चर कॉस्ट आती है, कितने खर्चा लगता है कंपनी का। तो दोस्तों अगर आप और किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मैंने ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद।